एवरी वन दिस इज विका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि वाई आर बर्ड्स फॉलिंग डाउन रिसेंटली आपने न्यूज़ देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स आसमान से यूं ही गिर रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है जो कि अच्छी बात नहीं है इसके पीछे का क्या रीज़न है ये एनालाइज़ करने की हम कोशिश करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या दो वी कैन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी डी एफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू की मंथ एंड ग्रांड सेल के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे जो कोर्सेज़ हैं स्पेशली यहाँ पे मैं स्मार्ट कोर्स यूपीएससी और आई के कोर्स की बात कर रही हूँ प्री और मेंस के लिए जो है वो आपको बहुत ही डिस्काउंट पे मिल रहा है वीरो फ्लैश ये हमारी फ्लैश स्केल सेल रहती है जो बीच बीच में आती रहती है तो फ्लैश सेल यहाँ पे है जहाँ पर आपको ट्वेंटी का कोर्स आपको नाइन में मिल रहा है और इसकी वैलिडिटी थर्टी फर्स्ट 22 तक ही है यहां पे आप कोड वीरो फ्लैश यूज़ कर सकते हैं किस तरह से आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं यह मैं आपको वेबसाइट पे जाके बताऊंगी सो so, इस तरीके से आपको स्टडी आई का वेबसाइट खोलना है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ आपको दिखेंगे ये यूपीएससी कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना है यूपीएससी की कैटेगरी में आपको सारे स्मार्ट कोर्सेज़ हमारे दिखेंगे और यहाँ पे जिस कोर्स की मैं बात कर रही हूँ वो है आपका यूपीएससी पी आई एस प्री प्लस मीन्स का कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्वेंटी का कोर्स है लेकिन चेकआउट करते हुए आप अगर डिस्काउंट कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट कोड के साथ बाद में आपको डबल नाइन डबल नाइन में ये कोर्स जो है वो पड़ेगा यहाँ पे वीडियोस क्विज लेक्चर नोट्स अपडेट सब कुछ है आप यहाँ पे सब कुछ चेक भी कर सकते हैं कि कोर्स की डिटेल्स क्या हैं कौन कौन सा एग्जाम यहाँ पे कवर्ड है ऑथर्स कौन हैं इस कोर्स के उनके बारे में भी आप सारी जानकारी वेबसाइट से ही हमारे ले सकते हैं एंड uh, यहाँ पे आपको इस कोर्स के कुछ खास बात मैं बताऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशन स्टडी आई क्यू यहाँ पे देने की कोशिश करता है करंट अफेयर प्रोग्राम आपको इस कोर्स में मिलेगा प्री मेंस के पूरे डिटेल्स वीडियो पीपीटीज एमसीक्यूज मिलेंगे उसके बाद सी आ, के साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर हैं और आपको लाइव डाउट सेशंस भी फैकल्टीज के साथ रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे अगर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स आपके कोई भी हो उसके साथ साथ मेंटोरशिप सेशंस की जिस तरह के स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें ऑप्शनल कैसे चूज करें उसके बाद सक्सेस इन प्रिलिम्स ऐसा हमारा हमारे एक स्पेशल क्राश कोर्स है जिसमें लिमिटेड कंटेंट आपको रिवीजन के लिए मिलेगा प्रिलिम्स के लिए जब भी प्रिलिम्स पास आने वाला होगा तो आप लास्ट में आप कूपन कोड लगा के डिफरेंट पैकेजेस पे डिफरेंट ऑफरिंग्स आपको मिलेंगी देखिए सपोज ये कोर्स आपको खरीदना है आपको बाय नाउ करना है तो यहाँ पे तीन आप देख सकते हैं कि अगर आप प्लैटिनम कोर्स लेते हैं जो कि हमारा बेस्ट है उसमें ये सब फीचर्स आपको मिलेंगे लेकिन गोल्ड लेंगे तो जैसे यहाँ पे एक फीचर आपका कम हो जाएगा कि आपको एक्सपर्ट स्टाउट्स के लिए नहीं मिलेंगे और सिल्वर लेंगे तो अगेन सिल्वर के लिए भी यहाँ पे फीचर्स अलग हैं तो सो प्लाटिनम इज़ फॉर द बेस्ट वैल्यू आप यहाँ पे डेमो वीडियो जरूर चेक कीजिए और यहाँ पे चेकआउट करते हुए आप डिस्काउंट कोड यूज कीजिए सो so, ये वैलिड है थर्टी फर्स्ट मे तक ही आई होप आपको सारे फीचर्स इसके क्लियर हो गए होंगे अभी भी कुछ रह गया हो जानने के लिए तो आप हमको सोशल मीडिया पे कनेक्ट करके भी उनके बारे में पूछ सकते हैं एंड अगेन डिस्काउंट कोड मैं यहाँ आप पे आपको बताऊंगी वीरो फ्लैश और क्योंकि इससे ज्यादा अफोर्डेबल एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी सो विध क्वालिटी अफोर्डेबल के साथ यहाँ पे क्वालिटी इज़ द मेन थिंग जो स्टडी आई क्यू ध्यान रखता है ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक अब देखिए जो रेस्क्यूअर्स हैं यानी जो कंजर्वेशनिस्ट टाइप लोग होते हैं बर्ड रेस्क्यू एनिमल रेस्क्यू में काम करते हैं इंडिया के वेस्टर्न गुजरात स्टेट में उनको डजनस ऑफ बहुत ढेर सारे एग्जॉस्टेड थके हुए डिहाइड्रेटेड बर्ड्स मिल रहे हैं जो अचानक Uh, हवा से स्काई से आसमान से नीचे गिर रहे हैं वन ऑफ द रीज़न इज़ हीट वेव्स क्योंकि हीट वेव्स अभी आप न्यूज़ में सब देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हैं अब इन हीट वेव्स की वजह से क्या है कि जो वाटर रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से बर्ड्स पानी पीते हैं स्टेट के बिगेस्ट सिटी में भी इनफैक्ट वो सूख रहे हैं और इनको पानी नहीं मिल रहा जिस वजह से इनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हिंदू में भी इसमें डिटेल में आप देखेंगे आर्टिकल आया था लेकिन हम कुछ और भी रीजंस यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अब जो डॉक्टर्स है, हैं एनिमल हॉस्पिटल में जैसे कि नॉन प्रॉफिट जिदया चैरिटेबल ट्रस्ट है अहमदाबाद में उनने थाउजेंड्स ऑफ़ बर्ड्स को ट्रीट किया इन हीट वेव्स के चलते लास्ट फ्यू वीक्स में और पिजन्स इंक्लूडेड हैं जिसमें काइट्स हैं हेल्थ ऑफिशल्स गुजरात के एनिमल हॉस्पिटल्स को बोल रहे हैं कि आप स्पेशल वार्ड्स बनाइए हीट स्ट्रोक जिन बर्ड्स कोई एनिमल्स को हो रहा है हीट रिलेटेड डिजीजेज हो रही हैं टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल सके तो रीज़न क्या है हीट वेव सबसे पहले तो आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब हो रहा है हीट वेव इसका रीज़न है नॉर्थ इंडिया पूरे में अगर आप देखेंगे 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर सेवरल रीजन्स जो गुजरात के वहाँ चला गया अब वेटनरी डॉक्टर्स एनिमल रेस्क्यूअर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि पानी सूख रहा है पॉन्ड्स कैनल्स जहाँ से ये पानी पीते हैं डिहाइड्रेशन हो रही है बर्ड्स में और कुछ जो बर्ड्स हैं उनके जो विंग्स हैं पंख वो टूट रहे हैं और वो ट्री से गिर रहे हैं एग्जॉस् की वजह से क्योंकि थकावट ही उनको इतनी हो रही है उनकी हेल्थ पे बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा अब देखिए बर्ड्स का ना बहुत इंपॉर्टेंस है एको में हमारे कल्चर में हमारे इको सिस्टम बहुत सारी ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बर्ड्स चाहे आप सपोर्टिंग सर्विसेज देख लें रेगुलेटिंग या कल्चरल प्रोविजनिंग सर्विसेज़ देख लें पॉलिनेटर्स का, का काम करते हैं सीड डिस्पर्सर्स का, का काम करते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं स्क्वेंजर का काम करते हैं यानी डेड बॉडी जो एनिमल्स की होती हैं उन पे फीड करते हैं प्रीडेटर का काम करते हैं यानी हमारे खेतों में जो पेस्ट होते हैं उनको खाते हैं तो इनका बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ में ह्यूमन सिविलाइजेशन में रोल है अब बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं एग्जांपल्स के तौर पे कोरल रीफ फिश की प्रोडक्टिविटी आप देखोगे कि वो भी इंक्रीज होने लगी जब सी बर्ड कॉलोनीज सी बर्ड की कॉलोनीज जो है वो रिकवर होने लग गई एक रैट इराडिगेशन प्रोग्राम के बाद तो आप देख सकते हैं कि हर एनिमल हर बर्ड एक दूसरे पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप बोलेंगे एक पर्टिकुलर नीच में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है लेकिन बर्ड्स को बहुत सारा थ्रेट भी है थ्रेट क्या है जो कि हम हमेशा एनिमल्स के डिस्कशन में कोई भी टॉपिक होता है हम बात करते हैं थ्रेट्स की कि नेचुरल हैबिटेट को खतरा है डिग्रेड हो रहा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है स्पीशीज़ की आ, जो सर्वाइविंग बर्ड स्पीशीज़ हैं अभी पहले भी एक बर्ड रिपोर्ट आई है जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं बर्ड्स को उनके मीट के लिए मारा जाता है ट्रैप किया जाता है हंटिंग की जाती है जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने देखा कितना उसका पॉपुलेशन कम हो गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आज वो अब बर्ड वॉचिंग जो है ये बहुत लोगों का एक हॉबी है लेकिन कई बार इसके लोकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं क्योंकि लोग जाके बर्ड्स को फीड करते हैं फिर बर्ड्स को आदत हो जाती है और वो अपना नेचुरल इंस्टांट भूल जाते हैं कि उनको खाने के लिए कैसे कॉम्पीट करना है अब जो एनिमल्स हैं वो इवॉल्व भी हो रहे हैं देखिए अभी एक एक और एंगल हम इस डिस्कशन को दे रहे हैं कि हमने बात की कि बर्ड्स गिर रहे हैं रीजंस हीट वे हीट वेव क्लाइमेट चेंज ये सब रीज़न है उसके बाद हमने बोला कि उनके उनको खतरा उनको थ्रेट्स क्या क्या हैं उन थ्रेट्स की हमने बात की अब ये है कि एनिमल्स इवॉल्व भी हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज का एक और नुकसान हो रहा है कि एनिमल्स बर्ड्स बोल लीजिए इवॉल्व हो रहे हैं इवॉल्व होना इवॉल्व होना क्या होता है किसी इन्वामेंट में अपने आप को एडजस्ट करना एडाप्ट करना उसके लिए खुद में कुछ चेंजेस लाना जैसे गर्मी को बीट करने के लिए या कुछ एनिमल्स में देखा गया उनकी बीक्स इंक्रीज हो रही हैं लेग्स ईयर्स Uh, जो हैं वो बड़े हो रहे हैं ताकि वो अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर सकें ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके उनको कूल ऑफ़ होने के लिए तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है एनिमल्स पे कि आप जल्दी जल्दी इवॉल्व हो और ये जो इंक्रीजिंग रेट से एवोल्यूशन हो रही है ना इसमें कुछ बर्ड्स तो एडजस्ट कर पा रहे हैं कुछ बर्ड्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे स्पीशीज़ इसको uh, इस चैलेंज को नहीं ले पा रही और वो डिक्लाइन जो है हमको देखने को मिल रहा है जैसे हम चार्ल्स डाविन की थ्योरी पढ़ते ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप वैसा मान सकते हैं और मेजर चेंजेस एनिमल्स में हैं थर्मो अपना टेम्परेचर को लेके ही अब हो सकता है कि अगर कोई थर्मो रेगुलेटरी एवोल्यूशन हो रही है उनको समर्स में तो हेल्प करे लेकिन विंटर्स में हेल्प ना करे तो इस वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में फ़ेल हो रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है जैसे कि अपेंडेज साइज इंक्रीज हो रहा है इन्वायरमेंट से अट्रैक्ट करने के लिए बीक साइज इंक्रीज हो रहा है बट वही बात है कि एडवांटेज हो सकता है गर्म क्लाइमेट में लेकिन कूलर क्लाइमेट में अगेन उनको डिसएडवांटेज होगा बट सब एनिमल्स अडॉप्ट नहीं कर पाते और इस वजह से पूरी की पूरी स्पीशीज़ जो है वो रिस्क में रहती है अब ये क्लाइमेट चेंज हीट वेव्स की वजह से हो रहा है ये सब हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल्स पीछे अंडरलाइंग रीजंस ही इसके क्या हैं आप डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट को आप ख़त्म कर रहे हैं फॉरेस्ट फायरस लग रही हैं फॉसिल फ्यूल आप रिलीज कर रहे हैं जला रहे हैं इससे ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एटमोसफेयर में जा रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सूखा पड़ रहा है स्ट्रॉम्स आ रहे हैं अब हीट वेव्स कॉमन भी हो गए हैं अगर आप देखेंगे 1950 से हीट वेव्स लेंथ में और फ्रीक्वेंसी में पूरे दुनिया में 2020 तक इंक्रीज़ ही हुए हैं तो इंक्रीज होना इज़ नॉट अ गुड थिंग तो हम इसको कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट वेव्स का वैसे अपनी तरफ से कैसे कम कर सकते हैं ट्रीज़ को प्लांट करके ताकि टेम्परेचर लोअर रहे कम रहे वेजिटेशन अपनी बिल्डिंग्स में जैसे आप ये देख सकते हैं इंक्रीज़ करके बिल्डिंग्स को कूल cool करने के लिए वाटर फीचर्स फाउंटेन्स कहीं पे आपने लगा दिया तो इस तरह के कुछ कुछ फीचर्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं सो दिस इज़ द रीज़न नाउ द क्वेश्चन फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू बॉडी साइज एंड डॉल्फिन ह्यूमन बींग एलिफेंट आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट करके जान सकते हैं बाकी यू कैन विजिट अ वेबसाइट डाउनलोड द एप्लीकेशन और कोर्सेस ई एम आई पे भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच